महान स्तूपा क्यों बनवाए जाते थे, स्तूपा को कैसे बनवाया गया और स्तूपा को कब बनवाया गया, ये कुछ बहुआयामी प्रश्न हैं जिसके उत्तर भी कई हो सकते हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों सहित पूरी दुनिया में रह रहे बौद्धों का सपना होता है सांची जाना, ठीक वैसे ही जैसे दुनिया भर के मुसलमानों का सपना होता है मक्का के काबा जाना। सांची के स्तूप अपने देश की सबसे पुरानी वास्तुकलाओं में से एक है। ये विश्व स्तरीय धरोहर है जो कि आज भी जिंदा है। सांची के ये महान स्तूप किसी भी प्रकार के परिचय के मोहताज नहीं है। प्राचीन भारतीय इतिहास भरा पड़ा है सांची की गौरव गाथाओं से। देखिए, मैं अपने आप को इतना काबिल तो नहीं समझता कि इस महान स्मारक के बारे में चार शब्द भी बोल पाऊं, लेकिन फिर भी मैं अपने स्तर से इस महान स्मारक के बारे में बताकर खुद गौरवान्वित होना चाहता हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल जाटव और जुड़ चुके हैं आप इन्फॉर्मेटिव एवरीथिंग के साथ। तो बात है आज से लगभग 2345 साल पुरानी, जब मौर्य वंश की भारत में स्थापना हुई। इस वंश के सबसे प्रतापी शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य और इनसे भी ज्यादा प्रतापी शासक हुए इनके पोते सम्राट अशोक। यूं तो संपूर्ण भारतीय इतिहास में दशों हजार राजाओं का